सो मैं आपको इस चैप्टर के जल्दी से लर्निंग आउटकम्स दिखा दूं, बिकॉज हमने न्यू चैप्टर कल की क्लास में स्टार्ट किया था. सो वेरी क्विकली विल गो थ्रू द सिलेबस एंड सी व्हाट वी हैव डन सो फार. ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, चैप्टर 9 जो हमने शुरू किया, राइट? दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड. हमने ये पॉइंट कवर किया था. अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, एंड दोज चार्ज कैरियर्स बीइंग इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स. अंडरस्टैंड दैट द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर्स इज क्वांटाइज्ड, मतलब के हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम होती है, और चार्ज इसी नंबर के इंटीजर मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है. ये बात हमने डिस्कस की थी. उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, बट हमने इसको इस फॉर्म में पढ़ा था, दैट करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और फिर हमने ये वाली एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, राइट? और फिर इसको हमने इसकी इम्प्लीकेशंस भी देखी थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक जो बाकी के तीन फैक्टर्स हैं, करंट, एरिया ऑफ द वायर एंड नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, पे कैसे डिपेंड करती है, राइट? इसमें से अभी हमने कुछ भी कवर नहीं किया था, ये सब आज करेंगे. ये हमने कल पॉइंट्स कवर, अभी ये वाला पॉइंट नहीं किया था, ये वाला पॉइंट नहीं कवर किया था, ये वाला पॉइंट अभी नहीं कवर किया था, ये भी नहीं कवर किया, ये भी नहीं कवर किया, बट ये वाली जो चीज़ है ये हमने कवर कर ली, पॉइंट नंबर 6. और ये बहुत सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है, रिकॉल एंड यूज आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, बट हमने इसके अंदर इसको डिटेल में जाके देखा था कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और डायमीटर के चेंज होने से या एरिया के चेंज होने से या लेंथ के चेंज होने से या मटेरियल एज एन उसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज होने से रेजिस्टेंस पे कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है? फिर मैंने कुछ तुम लोगों को एमसीक्यूज दिए थे कि यार उनको प्रैक्टिस के लिए देखना समझना है कि भाई कैसा लग रहा है, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो प्रैक्टिस में कितना उनको अप्लाई करना आसान है. एमसीक्यूज आर ऑलवेज हार्डर एंड नॉट वेरी इजी टू सॉल्व स्ट्रेट अवे, तो थोड़ी सी हम उनकी जब प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. अभी फिलहाल मैंने आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज दिए थे. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज वोल्टेज, ठीक है? तो हमने करंट देख लिया है, अब हम रेजिस्टेंस को भी फिलहाल अभी तो हमने ज़्यादा टच नहीं किया, लेकिन अब हम वोल्टेज पे आ रहे हैं. रेजिस्टेंस को भी अभी हम ऑफिशियली डिफाइन करेंगे. तो वोल्टेज का क्या मतलब, वोल्टेज का क्या मतलब? अब आप देखो कि आपके पास एक सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास एक पावर सप्लाई है, राइट? यहाँ पे आपके पास एक पावर सप्लाई है, कितने वोल्ट्स की? 12 वोल्ट्स की. ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है. उस पावर सप्लाई के साथ ये स्विच लगा हुआ है, स्विच ओपन है. यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है 20 ओम्स का, और उसी के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा हुआ है. आई होप सीरीज का मतलब और पैरेलल का मतलब सबको पता है, 10 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है. नाउ इन दिस सर्किट वेयर इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम? जब हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम समझ जाओ किस बारे में बात कर रहे हैं, सर्किट की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. तो वोल्टेज को समझने का मकसद एसेंशियली ये है कि हम ये समझ लें कि सर्किट में एनर्जी कितनी आ रही है और कहाँ से आ रही है और कितनी जा रही है और कहाँ जा रही है, ठीक है? तो अब मुझे ये बता दो कि सर्किट में एनर्जी आ कहाँ से रही है, वेयर इज द इनपुट एनर्जी कमिंग फ्रॉम, कहाँ से एनर्जी आ रही है? किसी भी सर्किट में एनर्जी कहाँ से आती है, क्या चीज़ है जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, करंट फ्लो करवाने के सेल लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा सेल, हमारी बैटरी, और इन दिस केस आवर पावर सप्लाई. सो पावर सप्लाई इज थिंग दैट विल प्रोवाइड द एनर्जी, राइट? पावर सप्लाई एनर्जी कौन सी, किस फॉर्म में सप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेगा, राइट? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर सप्लाई है 12 वोल्ट्स की, मतलब आपको वोल्टेज बताया हुआ है पावर सप्लाई का कि 12 वोल्ट्स, राइट? इसी तरह
यहाँ पे आपके पास जो दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेंगे और किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो पावर सप्लाई, अगर आपकी बैटरी है, लेट सपोज आपकी अगर बैटरी है और उस पर लिखा हुआ है कि वो 12 वोल्ट्स की बैटरी है, तो इसका मतलब एसेंशियली ये है कि वो 12 जूल्स की एनर्जी लेती है। नीचे वही सर्किट है, सेम टू सेम, बस उसमें वोल्ट मीटर्स नहीं लगे हुए। क्या हो रहा है, 12 जूल्स की एनर्जी ये ले रही है, ये पावर सप्लाई केमिकल फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर रही है। एनर्जी केमिकल फॉर्म से कन्वर्ट हो रही है, कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, मतलब हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो हमें पता है कि वो क्या चीज़ है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, कूलम्स, कूलम्स में मेजर करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि वन वन यूनिट ऑफ चार्ज फ्लो करने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो उसे मिल रही है, एक कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी दे रही है हमारी पावर सप्लाई। तो वन कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमारी पावर सप्लाई उसे 12 जूल्स की एनर्जी दे रही है। दैट इज वॉट 12 वोल्ट मीन्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 12 वोल्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब समझ रहे हैं ना हम, वोल्टेज एक क्वांटिटी है और इस केस में वो है 12। वॉट डज इट मीन कि ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट्स की, इसका मतलब है ये पावर सप्लाई 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए उसे कितनी एनर्जी दे रही है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, मतलब इतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज को 12 जूल की एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो 12 जूल्स की एनर्जी से ये चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट और पास करेगा यहाँ से इस वाले रेजिस्टर से और फिर इस वाले रेजिस्टर से। अब रेजिस्टर के अंदर से चार्ज को पास कर जब करना है तो वो एनर्जी वहां पे लूज करेगा। चार्ज ने एनर्जी गेन कहाँ पे की, एनर्जी गेन कहाँ पे की, पावर सप्लाई से एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन हुई पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई ने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके चार्ज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी दी, चार्ज फ्लो कर रहा है, अब वो पास करेगा इस रेजिस्टर से। जब वो इस रेजिस्टर से पास करेगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा, फिर जो बची कुछ इसके पास एनर्जी होगी वो इस रेजिस्टर में लूज करेगा, और उसके बाद फिर एनर्जी उसे वापस यहाँ पे जाके गेन करनी होगी। यहाँ पे जाके एनर्जी गेन करनी होगी, फिर यहाँ पे आएगा एनर्जी लूज करेगा, यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा, फिर यहाँ जाके एनर्जी गेन करेगा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। तो इस तरह आपका करंट फ्लो करता है। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, एंड द चार्ज नीड्स एनर्जी टू फ्लो। दैट एनर्जी दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्स, 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वोल्टेज, उसे कहते हैं वोल्ट्स, वोल्ट्स में मेजर होती है एनर्जी। ठीक है, सो अब एक और बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मेरे पास अगर 12 जूल्स की एनर्जी यहाँ से पावर सप्लाई ने दी है 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तो उसमें से उसने 8 जूल्स यहाँ लूज की है, बाकी की 4 जूल्स यहाँ लूज की है, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मिला के 12 भी आता है। तो इस बात को भी समझ लें कि सीरीज में या जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारी एनर्जी यूज करेंगे पावर सप्लाई की, और कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, ज्यादा एनर्जी इसमें से कहाँ लूज की चार्ज में, 20 ओम्स के रेजिस्टर में या 10 ओम्स के रेजिस्टर में। क्लियरली हमें नजर आ रहा है अरे 20 ओम्स वाले रेजिस्टर से गुजरने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे चार्ज को, हमारा चार्ज जो फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है 20 ओम्स वाले रेजिस्टर से जाने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चार्ज जितना इसमें से गुजर रहा है 20 ओम्स में से, उतना ही इसमें से भी गुजरेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही पास करेगा, बिकॉज सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता है। ये सारी जगह से 1 कूलम ऑफ चार्ज ने गुजरना ही है, फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स इट विल बी 1 कूलम ऑफ चार्ज, बट इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू पास थ्रू 20 ओम्स रादर देन 10 ओम्स। तो जो रेशियो है रेजिस्टेंस का 2:1 के रेशियो में ना, रेजिस्टेंस 20:10 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आ जाता है 2:1, तो उसी रेशियो में हमारी एनर्जी भी यूज हो रही है, उसी रेशियो में हमारी एनर्जी भी यूज हो रही है। अब एक और बात आप समझो यहाँ पे, ये जो वोल्टेज का वर्ड है ये आप दो चीजों के लिए यूज कर रहे हो, एक वो जो एनर्जी गेन कर रहा है चार्ज, यहाँ पे एनर्जी चार्ज क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एनर्जी लूज कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे लूज कर रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी लूज हो रही है, रेजिस्टर्स जो होते हैं वो सिंपली एक कॉइल ऑफ वायर होते हैं और कुछ भी नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के पास है और वो हीट की फॉर्म में, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी लूज करते हैं हमारे
रेजिस्टर से पास करते हैं। अगर बल्ब होता तो लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, अगर मोटर होती, पंखा होता, कोई और चीज़ होती तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, अगर लाउड स्पीकर होता तो साउंड की फॉर्म में भी एनर्जी कन्वर्ट होती। बट द पॉइंट इज कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द पावर सप्लाई फ्रॉम सम अदर फॉर्म लाइक केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वही एनर्जी चार्ज लूज करता है डिफरेंट लोड्स में से पास करते हुए। लोड्स होते हैं आपके रेजिस्टर्स, आपके बल्ब्स, आपकी मोटर्स, आपके लाउड स्पीकर्स, आपके सर्किट के अंदर जो लोड्स हैं उसके अंदर चार्ज जो है वो एनर्जी लूज करता है। अब वो जो तो चार्ज एनर्जी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में गेन कर रहा है, ये वाली एनर्जी, वो ये वाली एनर्जी है जिसे हम कह रहे हैं 12 जूल्स पर यूनिट कूलम, राइट। और जो चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है वो यहाँ पे लूज कर रहा है 4 जूल्स, राइट। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 8 वोल्ट्स इसके अक्रॉस वोल्टेज है और 4 वोल्ट्स इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो भाई पहली बात तो आप ये समझ गए कि वोल्टेज मीन्स नथिंग बट जस्ट एनर्जी दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज नीड्स, राइट। 1 कूलम ऑफ चार्ज के पास जो एनर्जी होती है, या 1 कूलम ऑफ चार्ज जो एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है एक सर्टेन कॉम्पोनेंट से पास करने के लिए, उसे जनरली हम वोल्टेज कहते हैं, वो वोल्ट्स में मेजर हो। तो हम जनरली डिफाइन कर चुके हैं अपने वोल्टेज को, एनर्जी ट्रांसफर्ड और वर्क डन जो कि किस कौन से यूनिट में होता है, जूल्स में होता है, पर यूनिट चार्ज अपॉन चार्ज जो कि कूलम्स में होता है, और हमारा जो वोल्टेज है उसका यूनिट होता है वोल्ट्स वी। अगर आपको मैं कहूं कि यार अब मुझे वोल्ट को, वोल्ट की डेफिनेशन बता दो, अगर आपको कहूं कि यार डिफाइन वोल्ट, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, जूल पर कूलम, मतलब कि जूल पर, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दो जे एंड सी की पावर -1 जूल पर कूलम, वोल्ट इज सिंपली जूल्स पर कूलम, राइट। क्या बात समझ में आई अभी तक, कि सब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही है जिस चीज को हम यहाँ पे वोल्टेज कह रहे हैं, बट कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज पर उसके करेगा फिर वो उसके हिसाब से हम एनर्जी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं वोल्टेज के लिए, वोल्टेज इज अ जेनेरिक टर्म, हम उसके लिए दो डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। वो जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका नाम अब मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनना, पहले मैं जरा इसको क्लियर कर लूँ ताकि मैं शुरू से पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ, तो ये सारी एनोटेशंस मैं क्लियर कर लूँ। वोल्टेज के लिए बेटा हम दो टर्म्स यूज करेंगे, एक टर्म होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा जो हम टर्म यूज करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी फुल फॉर्म है EMF, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को दोनों वोल्टेज ही, इनका जेनेरिक नेम दोनों का क्या है, वोल्टेज, बट स्पेसिफिकली EMF का टर्म यूज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म, PD का टर्म कहाँ यूज होता है। सो EMF और PD ये दोनों टर्म्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किस चीज के लिए यूज होते हैं। अब इस बात के लिए वापस जरा अपने सर्किट पे जाते, पहले इसको पढ़ लो, लेट्स जस्ट रीड दिस फर्स्ट। The term potential difference is used when charges lose energy by transferring electrical energy to other forms of energy. ये कहाँ पे हो रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी फॉर्म में कहाँ पे लूज हो रही है, बैटरी के अंदर या रेजिस्टर्स के अंदर? रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर हमारा बल्ब होता तो हम कहते कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, अगर मोटर होती तो मैं कहता कि मैकेनिकल एनर्जी और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, स्पीकर होता तो मैं कहता साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। डिफरेंट चीजें हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट बाय द चार्ज एंड गिवन टू सम कंपोनेंट व्हिच कन्वर्ट्स इट इनटू सम अदर फॉर्म। तो ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है जो यहाँ पे 8 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स है, विच एड्स अप टू 12 वोल्ट्स ऑब्वियसली, लेकिन ये जो लोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो लोड्स होते हैं ना, लोड्स सर्किट में, ये लोड है हमारा, ये और ये क्या है, ये सर्किट का लोड है जो कि एनर्जी यूज कर रहा है,
ये है हमारे पास इन दोनों वोल्टेजेस के लिए हम टर्म यूज करेंगे कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल राइट, सो ये जो 12, ये जो 8 वोल्ट और 12 वोल्ट हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ दीज रेजिस्टर्स। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर्स, सो वोल्ट मीटर से मेजर करके पता चल रहा है 8 वोल्ट। इफ मैं इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर्स, तो आप बोलोगे भी 4 वोल्ट। ठीक है, सो दोनों रेजिस्टर का अपना अपना पीडी है, बट इट्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू द ओवरऑल एनर्जी जो कि हमारी ईएमएफ से आ रही है। तो जो लोड्स के सर, अक्रॉस यहाँ तो एनर्जी चेंज नहीं हो रही, कहाँ पर, नीचे वाले में हो रही थी। अच्छा, अरे ये वही सर्किट है जो नीचे बना हुआ है, ऊपर आपको सिंपली वोल्टेज लिख के दिया हुआ है, और ये वही एग्जैक्ट सर्किट है जो नीचे बना हुआ है, सिर्फ वोल्ट मीटर्स नहीं बने हुए, लेकिन उसके अंदर बकायदा लिख के बताया हुआ है कि देखो यहाँ एनर्जी चेंज हो रही है इस तरह, और वहां पे एनर्जी इस तरह चेंज हो रही है। दीज आर द सेम सर्किट, और से देखो सिर्फ वोल्ट मीटर्स के लिए सेम सर्किट नहीं है, सेम ही है ना, एग्जैक्ट सेम सर्किट है, सिर्फ वोल्ट मीटर्स हमने जो है वो यहाँ पे लगाए हैं, और ऊपर ऊपर लगे हुए नीचे नहीं लगे। ठीक है, तो भाई समझ गए कि ये जो पीडी है ये किस चीज के अक्रॉस होता है, ये लोड्स के अक्रॉस होता है जब एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू सम अदर फॉर्म। सो जितने भी लोड्स होंगे सर्किट में उनके अक्रॉस टर्म यूज होगा वोल्टेज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का। और अगला जो टर्म है वो है ईएमएफ का, वो कब यूज होगा टर्म, वो हमारी हमारे सर्किट में जो चीज एनर्जी सप्लाई कर रही है, जब चार्ज एनर्जी गेन करता है, वो कब होता है, पावर सप्लाई में या बैटरी या सेल के अंदर होता है। सो हमारी जो एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो कहाँ होता है, जब पावर सप्लाई और बैटरी एनर्जी ट्रांसफर करती है टू इलेक्ट्रिकल। तो जब हमारे चार्जेस गेन करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर सप्लाई और बैटरी में करते हैं, तो पावर सप्लाई या बैटरी हमारे पास इस सर्किट में कहाँ लगी हुई है, हमारे सर्किट में ये लगा हुआ है पावर सप्लाई, यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहा है चार्ज, नीचे आपको लिख के दिया हुआ है, नीचे आपको लिख के दिया हुआ है, और बताया हुआ है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट हुई है। सो व्हेन यू गेट दीज नोट्स यू विल जस्ट रीड द पैराग्राफ्स और यू रीड द पॉइंट्स बिसाइड द डायग्राम्स, एंड एग्जैक्टली जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही रिपीट होंगी वर्ड टू वर्ड, आपको ईजिली रिवाइज करना बहुत आसान होगा। राइट, जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो रीड थ्रू द नोट्स एंड हाईलाइट वट एवर यू वॉन्ट, उस तरह आप जो है वो एग्जैक्ट सेम वही बातें आपकी। एनीवेज, तो क्या हो रहा है भाई, ये वाला जो है हमारे पास वोल्टेज 12 वोल्ट, ये हमारे ईएमएफ के हाथ है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गई, ये बात समझ गया, तो भाई ईएमएफ को जल्दी से डिफाइन कर लिया हमने। अब हम इनको जरा प्रॉपर डेफिनेशन याद कर लेते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो देखो अपनी डेफिनेशन को। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस आप जब भी निकालते हो ना सर्किट के अंदर, दो तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मांगा जाता है। एक वो बोल सकते हैं यार पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे अक्रॉस अ सर्टेन कॉम्पोनेंट दे दो, मतलब मुझे 20 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो आपके वोल्ट मीटर पर लिखा हुआ है यहाँ पे 8, क्योंकि आपने उसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हो, तो आंसर इज 8। बट अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज के यार ये पॉइंट ए है राइट, और ये है एक पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक रेजिस्टर ही तो लगा हुआ है, और उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बोल दूँ एक्स और इस पॉइंट को बोल दूँ वाई, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही 8 वोल्ट का ही है ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ए बी एक्स वाई, मैं बोलूँ यार पॉइंट एक्स और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इट्स स्टिल 8 वोल्ट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पॉइंट वाई और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो 0 है, क्योंकि इस जगह पे सर्किट के अंदर तो कोई लोड नहीं लगा हुआ, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि वायर जो है बहुत परफेक्ट कंडक्टर है, उसके अंदर तो कोई एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा चार्ज जाते हुए, ऑल दो वायर में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होती है, वायर भी इवेंचुअली हीट अप होती है, बट लेट्स अज्यूम कि वायर के अंदर कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही, तो यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज एनर्जी लूज नहीं की, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सो वाई से लेके बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं कह दूंगा कि यार 0 वोल्ट है। इवन इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट भी कर दूँ ऐसे करके, तो मुझे रीडिंग यहाँ पे 0 वोल्ट की ही मिलेगी। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, और आई डोंट नो लेट्स कॉल दिस पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू बोल देते हैं।
अब आपसे सवाल हो सकता है पॉइंट बी से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। 0 वोल्ट ही होना चाहिए, राइट? बात क्लियर हो रही है? क्योंकि कोई कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ यहाँ पे। लेकिन अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ यार, पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। या इसको पूछने का दूसरा तरीका ये है कि 10 ओम वाला जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दैट्स ऑब्वियसली 4 वोल्ट्स, राइट? इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, होपफुली सब समझ में आ रहा है आराम से। अच्छा अब आप बात कर लेते हैं कि यार, अच्छा पॉइंट डी और पॉइंट क्यू, पॉइंट डी से पॉइंट क्यू के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? दैट्स स्टिल 0 वोल्ट्स, कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नोड नहीं लगा हुआ ना बीच में। अच्छा ये पूछा जा सकता है कि यार, अच्छा पॉइंट सी से लेके क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दैट इज स्टिल 4 वोल्ट्स, ये अभी भी 4 वोल्ट्स ही है आपका, क्योंकि बीच में आपका वही क्या नाम है, व्हाट डू यू कॉल इट, वही आपका एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टर, जिसके अक्रॉस 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। ठीक है? सो हमने अभी तक ये समझ लिया कि वोल्टेज को डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है? फिर उसके अंदर हमने उसके दो स्पेसिफिक नेम्स, दो स्पेसिफिक टर्म्स को हाईलाइट किया, जो कि हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द टर्म यूज फॉर लोड्स इन द सर्किट, एनी कॉम्पोनेंट अदर देन द पावर सप्लाई। और उसके बाद दूसरा जो टर्म हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है, जो कि पावर सप्लाई बैटरी या सेल के लिए, पावर सोर्स जो होती है हमारे सर्किट में उसके लिए एनर्जी जो है वो, उसके लिए जो हमारे पास टर्म है वो ईएमएफ का यूज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, जो आप एग्जाम में लिख कराओगे, वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, कुड बी एनी टू पॉइंट्स, यू डोंट नीड टू राइट ए एंड बी, इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज एज चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो चार्ज एनर्जी तभी लूज करेगा ना। अब हसन, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी दे दूंगा। आई थिंक योर नेम इज जैद, आपका वैसे हसन लिखा हुआ आ रहा है, बट जैद, ए से बी के बीच में चार्ज एनर्जी कोई भी दो पॉइंट, जैसे मैं ए बी सी डी एक्स वाई जी, यहाँ पे एनर्जी देखो लूज तभी करेगा ना चार्ज, जब उसको किसी रेजिस्टेंस में से गुजरना पड़ेगा। सो बिटवीन पॉइंट ए एंड एक्स देर इज नो रेजिस्टेंस, सो ए से एक्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बट बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई देर इज अ रेजिस्टेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, इट्स 8 वोल्ट। ए और बी की बात कर लो तो बीच में उसके आर है रेजिस्टर, तो 8 वोल्ट ही है। वाई और बी के बीच में अगेन देर इज नो रेजिस्टेंस, राइट? दैट्स वाई एज यू आर आस्किंग, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, कोई वोल्टेज जो है वो यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। बी से सी के बीच में भी कोई बात 0, सी से डी के बीच में या बी से डी कह लो या सी से क्यू कह लो, इसके अक्रॉस बीच में ये वाला रेजिस्टर आ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का आ रहा है। एंड एज यू कैन सी, सीरीज में ये जो दोनों रेजिस्टर लगे हुए हैं, इनका जो वोल्टेज है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं एड अप कर लूं देन इट बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ। और मजे की बात ये है कि ज्यादा शेयर किसको मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, ज्यादा एनर्जी चार्ज को कौन से वाले रेजिस्टर के अंदर से गुजरने के लिए लगानी है, 20 ओम वाले रेजिस्टर के अंदर से। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और ये 10 ओम्स का है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्ट रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज का शेयर भी कम आएगा। ऑलराइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को अब हमने डिफाइन कर लिया है, इसकी डेफिनेशन दोबारा से रीड कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और उसमें एनर्जी कन्वर्जन जो है वो आप फर्दर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू, और फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। और ईएमएफ के लिए आप अगेन टोटल वर्क डन या फिर वही एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, वही बात है ये। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर या वर्क डन कोई भी बात लिख दो, दोनों सेम है। व्हेन चार्ज फ्लोज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ये बात लिखना जरूरी है। ठीक है, ऑल राइट। अब फॉर्मूला तो वही कॉमन फॉर्मूला है, दोनों ईएमएफ या आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों वोल्टेज में ही मेजर होते हैं, दोनों की डेफिनेशन सेम है, वो डिफाइनिंग फॉर्मूला जो है वो दोनों का सेम है, इट इज द सेम। बस ये बात याद रखनी है कि देखो वर्क डन या जो एनर्जी होती है ये जूल्स में होता है, जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है, और ये जो हमारा वोल्टेज होता है ये वोल्ट्स में मेजर होता है, जिसका अपना भी, इसका जो सिंबल है वोल्टेज का जो सिंबल है वो भी वी है, राइट? और जो उसका यूनिट है वो भी वी है, जिसे हम वोल्ट्स कहते हैं, वोल्ट्स, राइट? एंड 1 वोल्ट इज बेसिकली जस्ट जूल्स पर कूलम। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू पुश 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। ऑलराइट, सो होपफुली ये सारी बातें अब क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्ट इज डिफाइंड एज सिंपली जूल पर कूलम। गॉट इट?
तो हमने वोल्टेज के अंदर वोल्टेज वाला पॉइंट और जिसे आप कह लो कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट जो है क्लियर कर लिया, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, इट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस को। अब हम डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑलराइट, गिव मी अ सेकंड, फिर हम इसको स्टार्ट से। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे सर्किट के अंदर हर कंपोनेंट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, और हमने देखा था हर कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, याद है? ये चार फैक्टर्स, लेंथ, राइट, यही था, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो उससे हमारी मटेरियल की हमें पता चल रही होती है। और फिर हमने उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो एल ओवर ए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, यू डू नॉट डिफाइन द रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज पॉइंट, बट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कुछ और है। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट और वोल्टेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक लैम्प है, अगर आप उसको कनेक्ट कर दो, राइट, इफ यू कनेक्ट अ लैम्प टू अ बैटरी, अ करंट इन द लैम्प कॉजेज इट टू ग्लो, बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द करंट, ये सवाल है। एक लैम्प लगा हुआ है एक सर्किट के अक्रॉस। अब वो लैम्प, चलो यहाँ पर तो एक लैम्प नहीं, सिंपल मेटेलिक कंडक्टर ही लगा हुआ है, बट यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको काट के इसकी जगह एक लैंप का सिंबल बना देता है ऐसे। इस लैंप में से कितना करंट पास करेगा, ये जो करंट आई पास कर रहा है इसकी वैल्यू क्या हो, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, सारा सवाल ये है कि हाउ मच करंट विल पास थ्रू द लैंप, राइट, दैट इज द होल आइडिया। अब इसके अंदर अब आपने ये समझना है कि जो लैंप के अंदर से करंट पास करेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। व्हाट आर द टू फैक्टर्स? नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जिसे आप कहते हो अक्रॉस द लैंप, और वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, इस लैंप के अक्रॉस जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ वो कैसे डिटरमिन होगा, हु डिसाइड्स व्हाट इज द कॉम्पोनेंट इन दिस सर्किट, इस सर्किट के अंदर क्या चीज है जो डिसाइड करेगी कि इस लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, इस लैम्प को कितना वोल्टेज मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस पावर सप्लाई और सेल और बैटरी। यहाँ पे इस वक्त बैटरी का सिंबल बना हुआ है, तो बैटरी के साइज पे डिपेंड करेगा, बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। अगर बैटरी का ईएमएफ, देखो यहाँ पे एक ही कॉम्पोनेंट लगा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्पोनेंट, और तो कुछ नहीं लगा हुआ। तो बैटरी का ईएमएफ है अगर लेट सपोज 6 वोल्ट, तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा, 6 वोल्ट, मतलब ये जो वोल्ट मीटर है इस पे आपको रीडिंग 6 वोल्ट की नजर आएगी। सो देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द लैम्प। नाउ हाउ मच करंट विल पास थ्रू द लैम्प डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज। फर्स्टली हाउ मच करंट विल पास थ्रू द लैम्प डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज। जितना बड़ा बैटरी में लगा दूंगा, जितनी बड़ी बैटरी में लगाऊंगा, उतना ज्यादा करंट पास करेगा, राइट? एक बात तो ये समझनी, इनफैक्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं 6 वोल्ट के बजाय यहाँ पे बैटरी का साइज डबल कर दूं, सिंपल सी बात है, अब ये समझना जरूरी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं और लैंप के अक्रॉस वोल्टेज हो जाए 12 वोल्ट का, तो करंट जो है वो भी डबल हो जाएगा। करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर करंट आई पास करे तो अब करंट 2 आई पास करेगा। ऑलराइट, अगर इस वोल्टेज को मैं ट्रिपल कर दूं, 18 वोल्ट कर दूं, तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का हो जाएगा, तो ये करंट जो है ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, आओ इसको जरा जल्दी से एक जगह पे चेक भी कर लेते हैं। सो देर इज समथिंग दैट वी नीड टू, बल्कि चलो वो सारी चीजों की प्रैक्टिस हम अभी कर ही लेते हैं साथ साथ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक सिम्युलेटर के थ्रू आपको सारी चीजें समझा दूंगा। थोड़ा सा इसको लोड होने में 2 मिनट लगेंगे, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड।
राइट, सो सिंपल सी चीजें हम समझ रहे हैं, ठीक है? ऑल राइट right. अब इस वक्त ये मेरे पास जो रेड कलर का कंडक्टर लगा हुआ है, ये मेरा लोड है, ये मेरा लोड है. ऑल राइट, और यहां पे मेरे पास ऊपर लगी हुई है बैटरी, ठीक है? ये मेरे पास क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है. बैटरी का मैंने इस वक्त ईएमएफ कितना रखा हुआ है, तो मुझे बता सकते हैं मैंने बैटरी का इस वक्त ईएमएफ कितना सेट किया? सिंपल सी चीज है जो आपको नजर आ रही है, बैटरी का ईएमएफ मैंने यहाँ पे कितना सेट किया? 3 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के दो सेल लगे हुए, दोनों सीरीज में लगे हुए, पूरा बैटरी का जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट, जिसे हम वोल्टेज भी कह सकते हैं. सो व्हाट इज द सर, पोटेंशियल ये यहाँ डिफरेंस कंडक्टर पर कह रहे हैं। जी बेटा? सर, ये कंडक्टर यहाँ पर क्या कह रहा है? कंडक्टर के अंदर से हम करंट चेक करेंगे ना, कितना पास करेगा, राइट? कंडक्टर के अंदर से जी करंट चेक करेंगे कितना पास करेगा. कंडक्टर कोई भी लोड है, हमारे पास ये जो रेड कलर का कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट पास करेगा. अब ये कोई लैंप हो सकता है, कोई रेजिस्टर हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, जस्ट अ पीस ऑफ वायर, पर इट्स जस्ट द लोड. ये है जो हमारे पास लोड है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो अभी हम चेंज करेंगे. बट फिलहाल पहले सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा या कम होगा, तो मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा. अभी याद रखो कि करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है. करंट क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है. करंट दो चीजों पर डिपेंड करती है. किस चीज पे? वोल्टेज पे. पहला फैक्टर है वोल्टेज, यहां पे मैंने लिखा था, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो प्लीज. इफ यू कनेक्ट अ लैंप टू अ बैटरी, अ करंट विल पास थ्रू द लैंप एंड कॉज इट टू ग्लो, बट व्हाट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द करंट? द करंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. नंबर 1, द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प. द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, द ग्रेटर द करंट. नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प. लैम्प का अपना रेजिस्टेंस, जो कि लैम्प के फिलामेंट के अपने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि लैम्प का टेम्परेचर क्या है, लैम्प किस मटेरियल का बना हुआ है, लैम्प का फिलामेंट जो है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, जो फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे. बट लैम्प का जो रेजिस्टेंस है आर, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना उसमें से करंट पास करेगा. तो दो फैक्टर्स हैं, वोल्टेज अक्रॉस द लैंप एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप. ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा करंट. ज्यादा रेजिस्टेंस, स्मॉल करंट, ठीक है? बट ऑब्वियसली दोनों फैक्टर्स को स्टडी करते हुए, जब मैं इसको स्टडी कर रहा होऊंगा तो इसको रखेंगे कांस्टेंट. तो अभी हम यही कर रहे हैं. क्या वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं और करंट रेजिस्टेंस को रखेंगे कांस्टेंट? तो रेजिस्टेंस अभी कितना है मेरे कंडक्टर का? साइड पे लिखा हुआ, चेक करके बताओ जरा, हाउ मेनी ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर? क्या लिखा हुआ साइड पे? 500 500 ओम. सर, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, वी आर गोइंग टू कीप इट द सेम, वी आर गोइंग टू कीप इट दैट. नाउ लेट्स इंक्रीज द वोल्टेज. ओके, वोल्टेज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो अभी, अच्छा अभी फिलहाल इस वक्त इस कंडक्टर में से कितना करंट पास कर रहा है, ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, इसको कोई पढ़ के मुझे पूरा बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या यूनिट्स हैं? 6 मिली एम्पीयर्स। 6 मिली एम्पेयर्स. अच्छा जी, अब बात सारी ये है कि मिली का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। -3, मतलब डिवाइडेड बाय 1000, मतलब दिस इज लाइक 0.006 एम्पीयर्स. बट खैर यूनिट कन्वर्जन तो बाद में आएगी. याद रखो जब वोल्ट्स में वोल्टेज होता है और ओम्स में रेजिस्टेंस होता है, तो करंट सीधा सीधा एम्पीयर्स में आता है. यहाँ उन्होंने कन्वर्ट करके मिली एम्पीयर्स में लिखा है बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी. बट एनीवेज, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेज टू 6 वोल्ट्स, ठीक है? 6 वोल्ट्स तक मैं अपना वोल्टेज बढ़ा देता हूँ. व्हाट इज द करंट नाउ? कितना हो गया करंट? कितना हो गया भाई? 12 12 मिली वैल्यू क्या एम्पीयर्स है करंट की? 12 मिली एम्पीयर्स. नाउ जब 6 मिली एम्पीयर करंट पास कर रहा था तो वोल्टेज कितना था? 3 वोल्ट्स.
जो 3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट जो पास कर सकता है वो इस 500 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास कर सकता है, 6 mA का करंट पास कर सकता है। जब इसको मैंने डबल किया तो करंट की वैल्यू को भी क्या हो गया, करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, डबल हो गई। इज दैट राइट, करंट की वैल्यू भी डबल हो गई ना। अच्छा अब मैं इसको ट्रिपल कर देता हूँ, 9 पे ले जाता हूँ। अब कितना हो गया करंट, करंट भी ट्रिपल हो गया। तो डज इट मेक सेंस, क्या ये पूरी बात की सेंस बन रही है या नहीं बन रही, कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा करंट भी इंक्रीज होगा। इनफैक्ट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज इट मीन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, When you double one quantity, the other one also doubles. When you triple one quantity, the other one also triples. अब इसको अगर मैं 9 वोल्ट से डायरेक्ट 4.5 पे ले जाऊं, अच्छा 1 मिनट चलो, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस इन द चैट, डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बेसिक सी बात है। मैं वोल्टेज को हाफ करने लगाऊं, हाफ कर दूंगा वोल्टेज को तो कितना करना पड़ेगा, 4.5 ना, तो डबल मैं वोल्टेज को करने लगाऊं 4.5 वोल्ट, मुझे चैट में जवाब दो सर, 4.5 वोल्ट करने लगा हूँ, मुझे करंट की वैल्यू बता सकते हो क्या हो जाएगी अगर मैं वोल्टेज को 4.5 कर दूंगा, मतलब यहाँ पे 3 सेल लगे रह जाएंगे अगर। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर। शाबाश, जल्दी से बताओ चैट में जवाब दो, बहुत आसान सवाल किया सबसे मैंने यार, बात सबसे पहले तुम्हारा जवाब आना चाहिए बेटा। आसान तुमने कैसे किया है कैलकुलेशन 2.12 वाली, सुलेमान तुमने कैलकुलेशन कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रही। अली का आंसर तो सही है, तुम सर, मैंने 4.5 को 2 से डिवाइड किया है। 4.5 को 2 से ना डिवाइड करो। हाँ हसन, अब हसन आप ठीक है, जैद आप सही है। बेटा देखो सिंपल सा सवाल है, दोबारा से देखना जरा, अभी वोल्टेज कितना है सुलेमान, इस वक्त कितना है वोल्टेज, अभी कितना है वोल्टेज, बस मुझे ये जवाब दो। बताओ शहजादे इस वक्त वोल्टेज कितना है, इस बताता हूँ वक्त सर, 9 है, इस वक्त 9 है, करंट कितना पास कर रहा है, 18 mA। 18 है। अब मैं वोल्टेज को करने लगा हूँ हाफ, कितना हो जाता है, हाफ वोल्टेज कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 4.5। करंट को कितना हो जाना चाहिए, करंट नाइन को भी हाफ करो ना, करंट को भी हाफ करो, यस कितना हो जाएगा, नाइन 9 mA। गुड सोहा बेटा, समझ में आई मेरी बात, अब ये बात क्लियर हुई, क्योंकि आपका भी आंसर गलत आया हुआ यहाँ पे चैट में। सो यस यस मैं वोल्टेज को कर रहा हूँ 4.5, व्हाट इज द करंट, 9 mA। तो बेटा करंट और वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट कैन समवन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, इसमें करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है या वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा होता है, मतलब मैं इसमें से क्या चीज चेंज कर रहा हूं, मैं करंट को चेंज कर रहा हूं तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, या मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूं तो करंट चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज चेंज करें तो करंट चेंज हो रहा इसका मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पे करंट है, डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। है, यस सर, करंट। इज दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड, बट करंट सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करता है एक और चीज पे, और वो है मेरे कंडक्टर का क्या, रेजिस्टेंस। और कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो 4 फैक्टर जो हमने कल पढ़े थे, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का मटेरियल और कंडक्टर का टेम्परेचर। बट जैसे तैसे करके इस करंट का मैं रेजिस्टेंस अभी 500 से बढ़ा के 1000 करने वाला हूँ। सो विदाउट मी टेलिंग यू द आंसर फर्स्ट, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन। देखो अभी करंट की वैल्यू आपके सामने है, अभी वोल्टेज की वैल्यू आपके सामने है। अब मैंने फिलहाल पहले क्या किया था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को किया था चेंज और रेजिस्टेंस को रखा था कॉन्स्टेंट। नाउ आई विल डू द ऑपोजिट, अब मैं इसको करूंगा चेंज और इसको रखूंगा कॉन्स्टेंट, ठीक, वोल्टेज को रखूंगा कॉन्स्टेंट
पोटेंशियल डिफरेंस को और रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। तो अब रेजिस्टेंस को मैं 500 से 1000 करने वाला हूं। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द करंट बिफोर वी इवन बिगिन? कैन समवन टेल? 9.5 हाँ बताओ। 4.5 4.5 मिलियन एम्पीयर्स, 4500, 4500 नहीं, अगर तुम एम्पीयर्स में बताना चाह रहे हो तो फिर 4.5 को 1000 से डिवाइड करोगे बेटा हसन, आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करना, ठीक है? बाकी यूनिट कन्वर्जन की गलती है, वैसे तुम्हारा आइडिया सही है। सो लग करके देख लेते हैं। रेजिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल करने जा रहा हूँ। करंट क्या हो गया? करंट हो गया आधा, करंट हाफ हो गया, राइट? सो रेजिस्टेंस को डबल करने से करंट हाफ हो रहा है। कैन समवन टेल मी व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप? करंट और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अगर आपसे कोई मतलब पूछे तो आपने ये नहीं बोलना कि इफ आर इंक्रीजेस आई डिक्रीजेस, दैट्स नॉट व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस। आपने बताना है कि जब आर डबल होता है तो आई आधा होता है, या इसको बताने का और अच्छा तरीका ये है कि आई और आर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। आई ओ और आर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। लेट मी शो यू। अभी क्या है आई और आर की वैल्यू? आई की वैल्यू है 4.5, है ना? आई की वैल्यू है 4.5 और आर की वैल्यू कितनी है? 1000। अच्छा 4.5 मिली एम्पेयर है, इसको 10 to the power -3 करके तुम लोग 0.0045 कर लो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आ रहा है? 4.5 आंसर आ रहा है, राइट? मतलब कि आर और आई को मल्टीप्लाई करने से हमेशा, अभी आपके पास 4.5 आ रहा है। अब एक और, अब देखो, अब मैं आर को आधा कर लूँ। अब मैंने आर को कर दिया 500। अब करंट कितना हो गया? 9 मिली एम्पीयर, मतलब 0.009, राइट? 0.009 को दोबारा अब तुम 1000 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 500 से, 1000 से नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ 500 हो गया ना, 500 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ रहा है? अगेन वही 4.5 आ रहा है, एंड 4.5 इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रिजल्ट व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लेक्चर मैं बार बार बीच में, हर चैप्टर के बीच में तकरीबन दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा से दे। अब ये देखो, इसको मैं लेट सपोज 300 कर देता हूँ। अब अभी करंट की वैल्यू उठाओ और इसको दोबारा 300 से मल्टीप्लाई कर दो। करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, एंड अगेन व्हाट यू विल गेट? 4.5। सो वेन एवर टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द वे टू चेक इट इज कि उनको हमेशा मल्टीप्लाई करके देखो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर। करंट और रेजिस्टेंस की करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देखो, उनका जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। नाउ दैट हैपन्स, आई मल्टीप्लाइड बाई आर हैपन्स टू बी द वोल्टेज, वो एक अलग कहानी है, बट इस बात को समझना जरूरी है कि आई और आर, करंट और वोल्ट रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अच्छा, अब वी और आई के बारे में भी जरा दोबारा से बात कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वी और आई, ठीक है? और आपने देखा था कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वोल्टेज को डबल करने से करंट डबल होता है, वोल्टेज को कम करने से, हाफ करने से करंट भी हाफ हो जाता है। और इसके अंदर भी मैं आपको चीज चेक करके दिखा सकता हूँ। अभी वोल्टेज कितना है? 4.5, राइट? अभी वोल्टेज कितना है? 4.5। करंट कितना है? 0.015, राइट? करंट कितना है? 0.015, मतलब मिली एम्पेयर्स में है ना, उसको एम्पेयर्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अब देखो वी और आई को तुम डिवाइड करके देखो, 4.5 को 0.015 से डिवाइड करके देखो क्या आता है, तुम्हारे पास 300 आ रहा है। अब तुम 4.5 को 3 कर दो यहाँ पे। अब करंट और वोल्टेज की वैल्यू को दोबारा डिवाइड करके देखो। ये तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो 3 वोल्ट है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 मिली एम्पेयर, मतलब 0.010 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे पास दोबारा 300 आ रहा है। या आप खुद भी कैलकुलेटर में करके चेक कर सकते हो कि वी और आई की वैल्यू को मैं जब भी डिवाइड करूंगा मेरे पास कॉन्स्टेंट आंसर आएगा। तो वी को बढ़ा के देख लो, लेट्स सपोज 7 7 वोल्ट करके। अब 7.0 को तुम डिवाइड करके देख लो, 23 मिली एम्पीयर है, 23.3, तो 0.0023 हो जाएगा, 0.0233, इससे डिवाइड करके देख लो, अभी भी तुम्हारे पास 300 आ रहा है, ठीक है? तो बात ये समझ में आ रही है कि जब दो चीज़ें होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
तो उनको हमेशा डिवाइड करने से कांस्टेंट आंसर आता है। ये निशानी है कि वी और आई डायरेक्टली वो पूछते हैं। तो जब भी आप वी और आई की डिफरेंट वैल्यूज को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आंसर हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, और वो आंसर हैपेंस टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। बाय द वे ये 300 क्या है, बार बार 300 क्यों आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है। और आई और आर जो थे वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, और उनको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर, दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट आंसर आता है। और वो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है, वी का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये बात समझ में आ गई, हमने ये चेक कर लिया कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है इफ आर इज केप्ट कांस्टेंट, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल करने से डबल हो जाता है, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो जाता है, आधा करने से आधा हो जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, इनफैक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे करंट डबल हो जाएगा, और ब्ला ब्ला ब्ला, बट प्रोवाइडेड कि वोल्टेज को उस दौरान कांस्टेंट रखा जाए। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करने लगे हैं, रेजिस्टेंस की देने लगे हैं आपको डेफिनेशन। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ऑफ द कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है या सर्किट में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो उस पार्ट का रेजिस्टेंस है वो सिंपली दो चीजों को डिवाइड करके आता है। उस दो पॉइंट्स के बीच में, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है और उस जगह से जो करंट पास करे, इन दो चीजों को करने से आपके पास दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। अब वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, और वो कोई दो कंपोनेंट्स का मिला के या कोई रेजिस्टेंस का या हमारे कंपोनेंट्स के किसी कॉम्बिनेशन का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब चाहे वो किसी एक कंपोनेंट का हो या सर्किट के बीच में मल्टीपल चीजों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो, बट दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप वोल्टेज ले लो, आपको पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, लेट्स सपोज 8 वोल्ट है, तो आप ऊपर रखो 8, और आपको पता है कि उस पॉइंट में से करंट पास कर रहा है डोंट नो 0.05 एम्पेयर्स, तो आप उसको एम्पेयर में करंट से डिवाइड करो और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 8 डिवाइडेड बाय 0.05, 160 ओम्स आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज सिंपली द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, वी अपॉन आई इज आर, दिस इज इट, यही है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है, ऑलराइट। और यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम्स। अब क्योंकि R जो है वो V अपॉन I है, और V का यूनिट क्या है, वोल्ट्स, V ही है, और I का यूनिट क्या है, एनीवन हु विल रिमाइंड मी, यूनिट क्या है I का, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर्स। तो वोल्ट्स पर एम्पेयर इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स, 1 ओम इज सिंपली वोल्ट्स पर एम्पेयर, दैट इज इट, सिंपल इजी। लेकिन ये जो सारी कहानी अभी हमने पढ़ी इसके अंदर देखो डिपेंडेंट, ये तीन चीजें तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, अब तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं तीन चीजें, तो प्लीज मुझे बता दो इन तीन चीजों में से डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी थी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी थी। कैन समवन रिमाइंड मी वेरी क्विकली, करंट करंट डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट था और वोल्टेज और रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के अपने साइज पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे, मटेरियल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो वोल्टेज है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी पावर सप्लाई है, कितनी बड़ी बैटरी यूज की है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो फिर फॉर्मूला में सब्जेक्ट बनाने की सेंस किसको बनती है, सब्सक्राइब सबसे ज्यादा कौन सा इस चीज में सबको सब्जेक्ट किसको बनाना चाहिए, वॉट इज द गुड प्रैक्टिस, हमेशा सब अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो फॉर्मूला जो यूज करो उसमें जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए आप उसे सब्जेक्ट बना लो, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप इस फॉर्मूला को ऐसे मत लिखो बल्कि ऐसे लिखो, ऐसे आई को सब्जेक्ट बनाओ, बिकॉज आई इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। वी इज ऑलरेडी डिसाइडेड व्हेन यू चूज कि मैं इतना बड़ा सेल या इतनी बड़ी बैटरी लगाऊंगा, एंड आर इज ऑलरेडी डिसाइडेड व्हेन यू चूज द कंपोनेंट दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू कनेक्ट इन योर सर्किट, ठीक है। तो
आई ही है जो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो अब हमने आज के दिन फिलहाल अभी तक क्या क्या कर लिया है, वेरी क्विकली जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव डन सो फार इन दिस चैप्टर। अभी हमने आज के दिन ये जो पॉइंट नंबर वन है बेटा, इसको पढ़ा है, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, एंड देन वी हैव लर्न द इक्वेशन होल्ड वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू विच इज चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। अभी हमने नहीं पढ़ा पावर की इक्वेशन, अभी नहीं पढ़ा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए। हमने रेजिस्टेंस को अभी अभी डिफाइन किया, आर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पी डी एंड करंट बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो बात सारी ये है, और इसी से इक्वेशन क्या निकलती है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और उसको उन्होंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो अब वो जैसे मर्जी आप इक्वेशन को याद करो, बट कहने का मकसद ये है कि हमने अभी ये दो पॉइंट्स फिलहाल कवर कर लिए। अब इस चैप्टर में जो चीज़ें रह गई हैं वो पावर की इक्वेशन हैं, वो सबसे एंड पे करेंगे। आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखने हमें, आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखने। आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ भी नहीं है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट अ ग्राफ ऑफ, एक ग्राफ है जिसका नेगेटिव एक्सिस भी बना रहा हूँ और पॉजिटिव एक्सिस भी बना रहा हूँ, जिसके वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अभी भी हम क्या पढ़ रहे थे, द रिलेशनशिप, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन वी एंड आई। कैन समवन जस्ट रिमाइंड मी वी और आई के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कौन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छा, ये इस पे डिपेंड करता है या ये इस पे डिपेंड करता है, करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करता करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जी। और ये बेसिकली अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए आई और वी का, यहाँ पे ग्राफ की शेप क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, और आगे पूरी बात कंप्लीट किया गया, आधी बात नहीं किया गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वेयर ओरिजिन ओरिजिन से पास करें, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए आई वी कैरेक्टरिस्टिक का, राइट। अब ये हमेशा बनता है स्ट्रेट या नहीं बनता, ये एक सवालिया निशान है, ये बात जो है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगी बात, लेकिन ये आगे जाके भी हम पढ़ते हैं इस बात। तो बात सारी ये है कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपली ग्राफ है, वी और आई का ग्राफ, आई वाई एक्सिस पे, वी एक्स एक्सिस पे, और हमने आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ तीन चीजों के लिए पढ़ना है, मेटेलिक कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नंबर वन, इसका पढ़ना है, उसके बाद हमने पढ़ना है सेमी कंडक्टर डायोड का आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। हर कंपोनेंट का अपना अपना आई वी कैरेक्टरिस्टिक बनता है, उनका स्पेशल, हर कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। और तीसरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपको पढ़ना है लैम्प का, फिलामेंट लैम्प। अब मजे की बात, ये सारी चीजें आप ओ लेवल में पढ़ चुके हो, आईजीसीएसई में पढ़ चुके हो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पढ़ चुके हो, मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा रिपीट ही है ओ लेवल का, लेकिन खैर सुकून से और तहमल से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पता है कि बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर के लैम्प का, फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। ओम्स लॉ एसेंशियली यही है और कुछ भी नहीं है, ये जो आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यही ओम्स लॉ है, लेकिन इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एलडीआर और थर्मिस्टर के अंदर आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये दो लाइंस ही आपको समझनी है कि याद रखनी, सिंपल सी बात, कि लाइट इंटेंस ज्यादा शाइन करेगी एलडीआर पे, तो एलडीआर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस गिरेगा, और अगर लाइट कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर एट ये है कि थर्मिस्टर के टेम्परेचर जितना कम होगा उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, तो खैर अब आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया, छोटी सी चीज़ें कवर की, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हमने कवर किया। अब हम क्या करते हैं कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, आई वी कैरेक्टरिस्टिक करके हम आज का चैप्टर खत्म, आज की क्लास खत्म, ठीक है। तो अब हम आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने लगे, और आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने के लिए क्या हमें एक्सपेरिमेंटली लैब में करना पड़ेगा जिससे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना सकें, ठीक है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर इन्होंने लिया है, इन्होंने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया है,
सर्किट का डिजाइन देखो, एक मेटेलिक कंडक्टर लिए, उसका रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करवाओ दोबारा से, व्हाट इज आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, है। वी अपॉन आई। अब ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, इसको मेजर करने के लिए मुझे कौन से डिवाइस की जरूरत है, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड, ये आप ओ लेवल में पढ़ चुके हो तो मैं समझूंगा कि इसकी नॉलेज है सबको। इस चीज को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस की जरूरत है और इस चीज को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस की जरूरत है, इनको मुझे नाम बता सकते हो दोनों चीजों का। समवन एवरीवन शुड रिमेम्बर द नेम, सर व्हाट वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर। तो यहां पे हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इसमें कहाँ लगा हुआ, ये लगा हुआ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जिस चीज के अक्रॉस आपको पीडी मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, उसके अक्रॉस पैरेलल में आप वोल्टमीटर लगा दो। कैसे लगाते हो, पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो। और करंट मेजर करने के लिए आप लगाते हो एमीटर, और वो आपने कैसे लगाया है, इसके साथ सीरीज में आपने एमीटर लगाया हुआ, आपने सीरीज में एमीटर लगाया हुआ, ठीक है। अब मसला सारा ये आ रहा है कि वोल्टमीटर और एमीटर तो लग गए, करंट की और वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब मैं चाहता हूं कि आई और वी का इस मेटेलिक कंडक्टर के लिए मैं पूरा ग्राफ बनाऊं। अच्छा, अब दोबारा दोबारा से रिमाइंड करवाना कि आई और वी, चलो रेजिस्टेंस तो निकल आया, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकल आएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, रेजिस्टेंस निकल आएगा। बट व्हाट आई वांट इज नॉट जस्ट टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, बट व्हाट आई वांटेड वाज टू ड्रॉ दिस ग्राफ, आई वांटेड टू प्लॉट दिस ग्राफ। तो ये पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी और आई पे आ रहे हैं, ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए इसने और लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाई। जब उसके पास वी की डिफरेंट वैल्यूज आई होंगी और उसकी वजह से आई की डिफरेंट वैल्यूज आई होंगी, तभी डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट हुए होंगे ना। तो अब जरा मसला यहाँ पे ये है कि मैं, अच्छा पहले तो मुझे एक छोटी सी बात रिमाइंड करवा दो, आई वी पे डिपेंड करता है, मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, आई वी पे डिपेंड करते हैं या वी आई पे डिपेंड करते हैं, जरा रिपीट करो इस बात को। करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है या वोल्टेज करंट पर डिपेंड करता है, करंट करंट वोल्टेज पे करता है। करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मैं क्या चीज चेंज करूंगा, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज मैं वोल्टेज चेंज करूंगा। मैं इस सर्किट में वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देना चाहता हूँ मेटेलिक कंडक्टर को, ताकि डिफरेंट डिफरेंट करंट पास करें, और उसका एक पूरा टेबल बना लूंगा, एक पूरा टेबल बनाऊंगा। उस टेबल के अंदर क्या होगा, उस टेबल के अंदर वैल्यूज होंगी, वोल्टेज की वैल्यू होगी वोल्ट्स में और करंट की वैल्यू होगी एम्पियर्स में, और यहाँ पे मैं वैल्यूज नोट डाउन करूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं वोल्टेज की ये डिफरेंट वैल्यूज कैसे लेकर आऊंगा, इस सर्किट के अंदर मैं वोल्टेज की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। सर्किट के अंदर मैं वोल्टेज की वैल्यू कैसे चेंज करूंगा, वोल्टेज कहाँ से आ रहा होता है, आता कहाँ से, एनर्जी आती कहाँ से, सेल सेल से सेल से। तो अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ सेल्स से अदा कर देंगे, नंबर दोबारा से बोलो, ऑफ सेल्स से अदा कर देंगे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा कर देंगे, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। सीरीज में सेल लगा देंगे। तो एक तरीका तो ये कि आप सेल जो है वो सीरीज में और लगा देते हैं, बट ये तरीका क्या बहुत आसान है, क्या ये टायर सम नहीं है कि आप जो है वो बार बार सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसमें सेल और ऐड करते हैं, फिर उसके अंदर जगह बनाते हैं, सेल लगाते हैं एक और, फिर उसके बाद दोबारा से सर्किट को ऑन करते हैं, फिर आप दोबारा से रिटर्न लेते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर नया सेल लगाते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे सेल भी चाहिए, 8-10 सेल भी चाहिए होंगे। इससे कोई आसान तरीका है हमारे पास, तो इस बात को समझ लो कि देखो जिस तरह ये बैटरी का सिंबल बना हुआ है ना, इसी तरह हमने पावर सप्लाई और सेल का भी सिंबल पढ़ा था। बैटरी का सिंबल अभी बना हुआ है, पावर सप्लाई का क्या सिंबल पढ़ा था हमने, या सेल का क्या सिंबल पढ़ा था, ये पढ़ा था। पावर सप्लाई का सिंबल क्या पढ़ा था, अभी आपने पीछे देखी भी है, ये हमने पावर सप्लाई का सिंबल पढ़ा था। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल पावर सप्लाई, क्या चीज,
वेरिएबल पावर सप्लाई। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक बीच में से सिंबल के अंदर, इसका सिंबल कैसा होगा, इसके सिंबल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, देखो पावर सप्लाई का सिंबल बनाया सिंपल सा, उसके सिंबल में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इस तरह का एरो ऐड कर दूँ, तो ये क्या बन गया, वेरिएबल पावर सप्लाई बन गया। वेरिएबल पावर सप्लाई के अंदर अगर मैं आपको जल्दी से गूगल करके दिखाऊं यार, वेरिएबल पावर सप्लाई दिखने में कैसी होती है, बड़ा सिंपल सी चीज। वेरिएबल पावर सप्लाई दिखने में कैसी होती है, और जल्दी से उसकी शक्ल देखना, बहुत कॉमन सी चीज है आपके सबके स्कूल में यकीन पड़ी हुई। सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। क्या है इसमें, टाइल्स लगे हैं राइट, क्या लगा हुआ, टाइल लगा हुआ है, सेटिंग लगी हुई सिंपल, और सेटिंग से आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा सकते हो, 0 से लेके ऑल द वे अप टू 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12, 20, 30 वोल्ट तक आप लेके जा सकते हो, जो ज़्यादातर वेरिएबल पावर सप्लाईज आपकी होती है। क्या समझ में आई बात, हमारे स्कूल में ज़्यादा वैसे 12 वोल्ट वाली पड़ी हुई होती है, बट एनीवेज। तो क्या है वेरिएबल पावर सप्लाई, क्या करती है आप, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर यहाँ पे सेल या बैटरी बनाने के बजाय आप क्या बना के दे सकते हो, वेरिएबल पावर सप्लाई बना के दे सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, आप मुझे कुछ भी नहीं करना, क्या मुझे नए सेल लगाने पड़ेंगे अली, या कुछ और करना पड़ेगा, नो वेरी अब सर, क्या करूँगा, सिंपली जब वोल्टेज बढ़ाना होगा, वेरिएबल पावर सप्लाई का डायल जो है वो थोड़ा सा टर्न कर दूंगा, जैसे आप फैन आपको तेज करना हो तो आप डिमर थोड़ा सा बस घुमाते हो ना, ऐसे ही करते हो, तो वो एक डिमर की तरह है, सिंपल सा आपने उसका जो डिमर है या उसका जो डायल है उसको आपने घुमाया, तो आपने उसको 1 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट पे सेट कर दिया, 2 के बजाय 4 पे सेट कर दिया, 4 के बजाय 6 पे सेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, तो वोल्टेज चेंज करने का आसान तरीन तरीका क्या है कि आप वेरिएबल पावर सप्लाई का वोल्टेज चेंज कर दो, और बैटरी ना बनाओ बल्कि वेरिएबल पावर सप्लाई लगाओ। एम आई बीइंग क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ओके, अब वेरिएबल पावर सप्लाई जो है वो आपने लगा दी, वेरिएबल पावर सप्लाई आपने लगा दी, और क्या हो रहा है आप वोल्टेज चेंज करते जा रहे हो, और उसकी वजह से करंट भी चेंज होता जाएगा, और करंट और वोल्टेजेस की डिफरेंट वैल्यूज आपने स्टेबल में लिख ली, और फिर उस टेबल से क्या किया, वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को आपने प्लॉट कर दिया राइट, बस इतना सा काम आपने करना है। बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर, यस ऑल सर। क्लियर सो फार, ऑल थिंग्स क्लियर। एक दफा मैं स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा से शेयर करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मसला आ रहा है, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सही है भाई। तो हमने पहली चीज ये देखी कि बजाय इसके कि आप वेरिएबल आप सिंपल सी बैटरी या सेल यूज करें, आप वेरिएबल पावर सप्लाई यूज कर लें राइट, एक और भी तरीका है वोल्टेज को चेंज करने का, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसको जरा गौर से सुनना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा रहा हूँ। अब हमने जब सिंबल्स देखे थे तो मैंने आपको दो तरह के रेजिस्टर्स दिखाए, ये रहा आपका फिक्स रेजिस्टर, ये रहा, और ये रहा आपका कैसा रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। क्या फर्क है वेरिएबल रेजिस्टर और फिक्स रेजिस्टर में, फिक्स रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर में फर्क ये है कि फिक्स रेजिस्टर का रेजिस्टेंस तो आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते। तो आप करने क्या जा रहे हैं कि आप यहाँ पे इसके साथ सीरीज में, ये देखो ये सीरीज में ही है, अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी मैं कनेक्ट करूँ ये सब सीरीज में, तो मैं क्या करूँगा इस सर्किट के अंदर सीरीज में एक मैं क्या लगा लूंगा, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा लूंगा। तो ये मेरा कंपोनेंट है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब हमने कहा था हमने 3 तरह के कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है, आपको याद है आपके सिलेबस में मैंने कहा था हमने 3 तरह के कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है, नंबर 1
अब मेटेलिक कंडक्टर जो अभी लगा हुआ है आपके सर्किट में, ये अभी मेटेलिक कंडक्टर ही लगा हुआ ना यहाँ पे, मेटेलिक कंडक्टर लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या लगा सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर के अक्रॉस? अगर मुझे दूसरी चीज टच करनी, आई कैन डू अ सेमी कंडक्टर डायोड एज वेल। तो यहाँ पे इसके बजाय, ये वाला सिंबल बनाने के बजाय मैं सेमी कंडक्टर डायोड का सिंबल बना दूंगा। अब सेमी कंडक्टर डायोड का भी सिंबल हमने कल चैप्टर के शुरू में देखा था, कहाँ बना हुआ ये नजर आ रहा है आपको? सेमी कंडक्टर डायोड का सिंबल, सेमी कंडक्टर डायोड का सिंबल नजर आ रहा है आपको, राइट? और सेमी कंडक्टर डायोड के अलावा आप और क्या चीज टेस्ट करेंगे नंबर थ्री पे? फिलामेंट लैम्प। और फिलामेंट लैम्प का सिंबल तो आपको ओ लेवल से ही याद होना चाहिए, फिलामेंट लैम्प का सिंबल कहाँ बना हुआ? ये रहा फिलामेंट लैम्प का सिंबल यहाँ पर, राइट? तो अब अगर आपको यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर को टेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने लेट सपोज टेस्ट करना है अपने फिलामेंट लैम्प, तो यहाँ पे आप फिलामेंट लैम्प का लगा देंगे सिंबल। और अगर फिलामेंट लैम्प को टेस्ट नहीं करना और आपने डायोड को टेस्ट करना है, तो आप डायोड का सिंबल बना देंगे, ये डायोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो तीनों चीजें हम बारी बारी उनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप सिंपल बैटरी लगाने के बजाय एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगा लोगे, राइट? वेरिएबल पावर सप्लाई लगा लोगे। और यहाँ पे आप अभी मेटेलिक कंडक्टर बनाया हुआ है, वरना आप लैंप भी लगा सकते हो, वरना आप डायोड को भी लगा सकते हो, ठीक है? तीनों का आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इस तरह ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अब दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आप वेरिएबल पावर सप्लाई यूज नहीं करोगे, यहाँ पे नॉर्मल बैटरी ही ओके, ठीक है? नॉर्मल बैटरी लगी हुई है, यहाँ से वोल्टेज नहीं चेंज होगा। हम क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टर यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला रेजिस्टर? हम फिक्स रेजिस्टर नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं एक रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। क्या यूज करने लगा हूँ मैं यहाँ पे? यूज करने लगा हूँ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू अगर मैं पहले फुल मैक्सिमम पे रखूँ, वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू मैं 10 ओम से लेके 10,000 ओम्स तक चेंज कर सकता, ठीक है? अब यहाँ पे तो मेरा जो है वो कंपोनेंट अंडर टेस्टिंग वाला लगा हुआ होगा। अभी मेटेलिक कंडक्टर लगा हुआ है, बाद में बल्ब भी लगा सकता हूँ, डायोड भी लगा सकता हूँ। वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑल द वे अप टू 10,000 ओम रखूंगा, 10,000 ओम्स पे रख दूंगा मैं। और क्या करूंगा, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से और करंट की वैल्यू यहाँ से नोट डाउन करके नीचे अपने टेबल में लिख दूंगा, ठीक है? मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका रेजिस्टेंस 10,000 से थोड़ा सा कम करूंगा, इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम करूंगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को ट्वीक करने से, वेरिएबल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ट्वीक करने से, उसको कम करने से, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी और करंट और वोल्टेज की नई वैल्यू आएगी मेरे पास, जो कि मैं दोबारा से यहाँ नोट डाउन कर लूँ। फिर मैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कम करूँ, फिर मेरे पास वोल्टेज और करंट की न्यू वैल्यू आएगी। फिर मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू कम करता जाऊंगा, करंट और वोल्टेज की न्यू वैल्यूज नोट डाउन करता जाऊंगा वोल्ट मीटर एमीटर से। तो ये भी एक तरीका है, बल्कि ये तरीका ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो तरीका क्या है आपका, ये कंपोनेंट है अंडर टेस्टिंग, जहां पे मैंने कहा तीन चीजें जो है वो आपको याद रखनी, कौन कौन सी आप लगा सकते हैं। अब मेटेलिक कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नंबर वन, नंबर टू डायोड, और नंबर थ्री फिलामेंट लैम्प। तो उसके अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगा लेना, उसके साथ सीरीज में एमीटर लगा लेना, लेकिन साथ ही सीरीज में आप एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा लेंगे। वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप शुरू में फुल मैक्सिमम पे रखो और आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करते जाओ, और वी और आई की जो वैल्यूज आती जा रही हैं उसका रेजिस्टेंस जैसे ही थोड़ा सा चेंज करोगे, वी और आई की वैल्यू चेंज होगी, वी और आई की वैल्यू चेंज होगी, उसको टेबल में लिखते जाओ, और फिर वी और आई का यहाँ पे आप बना लो ग्राफ। अब वी और आई के ग्राफ की शेप मेटेलिक कंडक्टर के साथ डिफरेंट आती है, फिलामेंट डायोड के साथ डिफरेंट आती है, और फिलामेंट लैम्प के साथ डिफरेंट आती है, और सेमीकंडक्टर डायोड के साथ डिफरेंट आती है। तीन तरह के आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है? और फिर इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जैसे कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है ये डायोड का ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ्स की शेप को हम समझेंगे, कैसे इनको ऑब्टेन किया ये तो हमने समझ लिया। थर्मिस्टर और एलडीआर मैं अभी ही यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, इसका मैं ज़्यादा लंबा कर ही नहीं रहा, सिंपल सी चीज़ है। अगली क्लास
में हम थर्मिस्टर और डायोड के मैंने कहा था कि बहुत लंबी चौड़ी करेंगे नहीं। थर्मिस्टर और डायोड का आपको सिंबल ऑलरेडी पहले भी बनाया हुआ था या दोबारा बना के दिखा क्या आपको नजर आ रहा है। थर्मिस्टर इज अ डिवाइस, इट्स अ टाइप ऑफ रेजिस्टर विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उसका रेजिस्टेंस लाइट की वजह से चेंज होता है। तो इसमें लाइट शाइन कर रही होती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ तक अभी बात कंप्लीट हो गई है। पावर की इक्वेशंस और आई वी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसके पास पेपर्स करेंगे। ऑल राइट, तो आज 4th मार्च है आई गेस, और हमारा ये वाला चैप्टर भी 70 to 80% हो चुका है। बस हमने फाइनल चीज़ें जो है वो अगली क्लास में करनी है इंशाल्लाह, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म है। इसके पास पेपर्स होंगे 2 क्लासों में 3 क्लासों में, और फिर उसके बाद आखिरी चैप्टर हमारा रह जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक काम जो मैंने आपको शायद कल बोला था या कल क्लास में नहीं बोला था, लेकिन अब प्लीज़ अपने ईयरली पास पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू कर दो। 2 महीने रहते हैं आई गेस, या 2 महीने से कम रहते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, 2 महीने से कम रहते हैं। अब आपके किसी के मॉक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता, सब स्कूल्स का डिफरेंट सीन है। ज़्यादा में मॉक्स चल रहे हैं, ज़्यादातर में अगले वीक से होंगे, कुछ में मार्च के मिड में होंगे, कुछ में मार्च के एंड पे होंगे। बट प्लीज़ स्टार्ट डूइंग योर ईयरली पेपर्स एज वेल। टॉपिकल तो करने ही करने, बल्कि ज़्यादा प्रायोरिटी पर टॉपिकल करने, बट जितना भी आप अपने आप को टेस्ट करोगे ईयरली के ऊपर, आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी। अभी आपकी बिल्कुल भी नहीं है तैयारी, कुछ भी नहीं है आपको, बस पता है कि आपको बस ABC आती है हर चैप्टर की। आप अपना ईयरली पेपर ओपन करो और उसको करो। कोई सा भी रैंडम ईयर उठा लो, 2017 उठा लो फॉर एग्जाम्पल, 2014 उठा लो, 2019 उठा लो, लेटेस्ट ईयर का उठा लो। हर दूसरे तीसरे दिन, 2 दिन 3 दिन छोड़ के, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ईयरली पेपर, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, लाजमी करो। पेपर 1 क्योंकि उसे वैसे ही, उससे पहले आपको 1 महीने का गैप मिलेगा, तो आप मेरे साथ उसकी टॉपिकल और ईयरली प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। बट यू नो यू हैव इन मे यू हैव टू गिव योर पेपर 2 फर्स्ट, तो पूरा फोकस उस पर से रखेंगे, सारी प्रैक्टिस उसके अंदर ही होगी, सब चीज़ें उसके थ्रू होंगी। ठीक है, चलो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।